नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर सहसपुर देहरादून से है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य आजाद अली ने एक प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के मौजूदा किसान विरोधी काले बिल के खिलाफ देश भर में मेहनकश अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब, यूपी, हरियाणा और अब उत्तराखंड के किसान कोरोना महामारी के बीच जान जोखिम में डालकर आज भारत बंद जैसे कदम उठाने को मजबूर है और इसका सहारा सीधे केंद्र की जन विरोधी किसान विरोधी सरकार के सर बदा है। आज देश का करोड़ों किसान अपने अंधेरे भविष्य की इबारत लिखने वाले काले विधायक का विरोध कर भाजपा सरकार को चेतावनी दे रहा है कि 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरने वाले किसानों को अगर मोदी सरकार छेड़ेगी तो देश की जागरूक जनता ऐसे तानाशाही सरकार को छोड़ेगी नहीं। आज उत्तराखंड का सीधा साधा किसान अपनी खेती किसानी छोड़ आंदोलन के लिए सड़कों पर आने को मजबूर है और प्रदेश सरकार बिल के समर्थन में अपनी ही पीठ थपथपा रही है। ऐसे हालात में विकासनगर सहसपुर में भी केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम स्थानीय संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और जनता आज इन मजबूर किसानों के साथ खड़ी है। ऐसे में एक जन कार्यकर्ता और सहसपुर विधानसभा का हितेशी होने के नाते मैं अपना पूरा समर्थन और सहयोग अपने किसान भाइयों को दे रहा हूं। मेरे जब भी जहां भी मेरे किसान भाइयों को जरूरत होगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा।